नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी GLCIS में स्वागत है। मध्य प्रदेश पटवारी 2023 भर्ती परीक्षा विषय में जो परिवर्तन आया उसका नया टॉपिक हम लोगों का सामान्य प्रबंधन, और सामान्य प्रबंधन के अब तक 10 वीडियो आप इनसे प्राप्त कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं और अभी तक अपना कोर्स परचेज नहीं किया तो मात्र 251 रुपये में आपको ऐसा कोर्स मिलता है जिसमें आपको सामान्य प्रबंधन के सभी वीडियो PDF टेस्ट सीरीज प्लस सारे नोट्स आपको वहाँ पर प्राप्त होते हैं। वो ई नोट्स रहेंगे जिनको आप मोबाइल में एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स को एक बार अच्छे से व्यू करें, 251 बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। अपन आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो वित्तीय प्रबंधन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो कोई भी संस्था हो, कोई भी विभाग हो, सरकार का विभाग हो, निजी विभाग हो, वहाँ पे वित्तीय प्रबंधन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे सरकार है वो क्या है, जनता से कर लेती है, कर लेने के उपरांत उस आय से वो सारे मसौदे तैयार करती है कि क्या क्या डेवलपमेंट किया जाता है। सरकार की पैसे की जो आय है, धन की आय, वो जनता से ही है, ठीक है। राजस्व विभाग जो है, आयकर विभाग जो है, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो क्या करते हैं, सरकार के इन कामों में योगदान करते हैं। इसीलिए क्या कि इस टॉपिक को भी आपके सिलेबस में रखा गया है, क्योंकि पटवारी इस प्रकार का पद होता है जो शासन की नींव होता है, ठीक है। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने को ये समझना होगा कि वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या इसका महत्व है, साथ ही इसके बाद किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से अभी तक पूछे गए हैं। जितना मैंने अभी तक पेपर को देखा है, 3 से 6 प्रश्न जो है इस टॉपिक से नॉर्मली जो 25 क्वेश्चन का रेशियो रहता है उसमें आए हुए हैं। संभवतः आगे भी पटवारी की परीक्षा में इस वाले टॉपिक से 3 से 6 प्रश्न आपके आएंगे। इसमें हमें मूलभूत अगर विचारधारा समझ में आ गई, जो इसके अंदर मेन बेसिक्स है वो समझ में आ गए, तो फिर इसके प्रश्न हल करना बहुत ज़्यादा आसान है। टॉपिक क्लियर है, मतलब क्वेश्चन पे आप थोड़ा हिंदी इंग्लिश में पढ़ के विचार करोगे आ जाएगा। आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे और कल के वीडियो में मैं आपको इसकी ऑब्जेक्टिव सीरीज कंप्लीट करवाऊंगा। सबसे पहले अपन देखते हैं वित्तीय प्रबंधन का अर्थ। जिस तरह से एक मानव जीवन होता है, किसी जीव का जीव होता है, जीवन होता है, उसमें ब्लड जो वर्क करता है, रक्त जो काम करता है, जैसे रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रवाह, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, परिवहन करता है, ठीक है। पोषण है, उसको पूरे कोशिका तक, हर जगह तक ले जाने का काम करता है। वैसे वित्त किसी व्यवसाय के जीवन का ब्लड होता है, रक्त होता है। वित्तीय प्रबंधन जो है वो व्यावसायिक प्रबंधन का एक पार्ट है, मतलब कमर्शियल मैनेजमेंट जो है उसी के एक पार्ट के रूप में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखते हैं। वित्त प्रबंधन किसी उपक्रम के वित्त तथा वित्त से संबंधित पहलुओं का निर्णय करने और उनके नीति निर्धारण करने से संबंधित क्रियाओं का समूह होता है। मतलब सामान्य रूप से वित्तीय प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि कोई विभाग है, कोई संस्था है, कोई कंपनी है, ठीक है, व्यवस्था व्यवसाय है, उसके अंदर कितने वित्त की आवश्यकता है, वित्त कहाँ से आएगा, वित्त किस प्रकार से खर्च किया जाएगा, किस पे कितना खर्च किया जाएगा, उससे आय कितनी होगी, अंतिम रूप से स्थितियां क्या बनेगी, ये सब आपका आता है वित्तीय प्रबंधन में। देखते हैं अपन, यहाँ तक परिभाषा आप समझे होंगे कि भाई वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट है वित्त का उचित प्रबंधन से अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। मतलब आपका खर्च कम से कम हो और लाभ अधिकतम बने, इसी को अपन वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। और कैसे हो, वो भी उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन, मतलब आपके पास जो साधन संसाधन है उनका आवंटन सही तरीके से हो, एवं उपयोग लाभ के आधार पर किया जा सकता है। किस प्रकार से उन साधनों का जो उपयोग है, यूटिलाइजेशन है, वो लाभ के लिए किया जा सकता है। वित्तीय प्रबंधक साधनों को कम लाभदायक उपयोगों से निकालकर अधिक लाभदायक उपयोगों में लगाता है, जिससे कुशलता बढ़ती है। मतलब वित्तीय प्रबंधन में पहली चीज़ ये होती है कि आपका फंड मैनेजमेंट जो है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, वो इस तरीके से होता है कि उस जगह डालना है जहाँ कम से कम लगे और लाभ अधिकतम हो। वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य जैसे मुनाफा उच्चतम सीमा तक ले जाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, नकदी का रख रखाव, मेंटेनेंस ऑफ जो लिक्विडिटी है, आपके पास जो पैसा है उसको कैसे रखना है सिक्योर, धन का उचित उपयोग, भाई आपके विभाग में या आपके अधीन जो भी पैसा खर्च हो रहा है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ पर नियंत्रण रखना, लेनदारों के साथ वित्तीय प्रतिबद्धताओं की बैठक, मतलब जो आपसे पैसा मांगते हैं उनके साथ आपके रिलेशंस मेंटेन करना, ठीक है। और अगर अपन देखें अधिकतम लाभ की प्राप्ति, अधिकतम लाभ की प्राप्ति मतलब यही है, प्रबंधन इस प्रकार से हो कि खर्च कम से कम हो, लाभ अधिक से अधिक आए, साधनों का कुशल आवंटन एवं उपयोग। अब यहां से क्वेश्चन आएगा वित्तीय प्रबंधन का क्या हिस्सा नहीं है, तो साधनों का कुशल आवंटन उपयोग, निर्णयों की सफलता का मापक, मतलब किसी फर्म में जो जितने भी निर्णय लिए गए मैनेजमेंट के द्वारा वो सही है या नहीं,
ये वहाँ की बैलेंस शीट से प्रेजेंट होगा। तो वित्तीय प्रबंधन ही इस बात को शो करेगा कि आपके लिए गए निर्णय जो है वो सही है नहीं है। मतलब वित्तीय प्रबंधन पूरे प्रबंधन का मेजरमेंट करने का भी एक तरीका हो गया। लास्ट में बैलेंस शीट उच्च लाभ में दिखी, ठीक है, कम निवेश लगा और ज़्यादा लाभ मिला, मतलब वो सफल था। विशुद्ध संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करना, वित्तीय प्रबंधन का ये भी एक कार्य रहता है कि जो विशुद्ध संपत्तियां हैं, जो एसेट्स बनेंगे आगे चल के विभाग के, कंपनी के, संस्था के, उनमें वृद्धि हो। व्यवसाय का भावी विकास, कि प्रेजेंट में तो व्यवसाय बहुत अच्छे से चल रहा है लेकिन उसके फ्यूचर प्लान कैसे होंगे, फ्यूचर में उसमें वित्त कैसे आएगा, ठीक है, किस प्रकार से वो एक लाभकारी संस्था विभाग के रूप में बना रहेगा, उस पर काम करने में भी ये योगदान उद्देश्य रहता है। अधिकतम परिणाम प्राप्त करना, मतलब वित्त प्रबंधन का ये भी एक मुख्य हिस्सा होता है कि निवेश इस प्रकार से हो कि अधिकतम लाभ, अधिकतम परिणाम प्राप्त हो। फिर वित्तीय प्रबंधन का महत्व, वित्तीय प्रबंधन का जो महत्व है वो कैसे रहता है, उपक्रम की सफलता का आधार। मतलब अगर कोई भी उपक्रम है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी विभाग है, कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर उसकी सफलता है इसका मतलब वो प्रॉफिट वेंचर है, ठीक है, तो उसको निर्धारित करने में। व्यावसायिक प्रबंधकों हेतु उपयोगिता, व्यावसायिक प्रबंधक जो रहते हैं, कमर्शियल मैनेजमेंट जो रहता है उसमें वित्तीय प्रबंधन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उद्देश्य ये होता है लाभ को प्राप्त करना। निर्णय की सफलता का मापक, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इसके महत्व भी उसी रूप में होगा, संपत्तियों का मूल्य निर्धारित करना, व्यवसाय का भावी विकास करना। निश्चित रूप से यहाँ तक टॉपिक का बेसिक आपको क्लियर होगा। अब यहाँ से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में आप समझना, जैसे वित्त प्रबंधन से संबंधित भारत में प्रमुख संस्थाएँ कौन कौन सी हैं। अब यहाँ RBI से रिलेटेड थोड़ा सा मैनेजमेंट का क्वेश्चन हो सकता है, सेबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, बैंकिंग से रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। उसके साथ ही दैनिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, विभागीय जीवन में वित्त का जो महत्व है उससे संबंधित जो टर्म है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस टॉपिक में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अपन लोग कल के वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनका अभ्यास करेंगे। एक बार फिर से कोर्स की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। मात्र 251 रुपये में, शायद मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान जो बिल्कुल इतनी कम प्राइस में बेस्ट कंटेंट देने का काम करता है। आपके नोट्स इसमें भाग ए और भाग बी के रूप में हैं, डिटेल नोट्स भी है, एक्सप्लेनिव नोट्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जहां आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। और 1 जनवरी से इसमें फुल लेंथ टेस्ट आने लग जाएंगे जिनकी संख्या जितना अधिक हो सकती उतनी अधिक की जाएगी। टॉपिक वाइज टेस्ट लगभग 250-300 के आसपास उसमें उपलब्ध है, अलग से टेस्ट सीरीज का आपको कुछ खर्च नहीं करना है। वीडियो लेक्चर, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका कंटेंट यूट्यूब पे भरमार में है लेकिन जैसे सामान्य प्रबंधन का कंटेंट सिस्टमेटिक क्रमबद्ध मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके वीडियो लेक्चर आपको यहाँ मिलेंगे। विज्ञान, इसमें भी बच्चों को थोड़ा सा डर रहता है तो उसके क्रमबद्ध ऑब्जेक्टिव वीडियो भी आपके ये सीरीज खत्म होते विज्ञान के आने लग जाएंगे। करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश करंट अफेयर को लेकर बच्चों में थोड़ा सा संशय रहता है तो उससे रिलेटेड MCQ सीरीज भी हम लोग इसमें आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। कैसे मिलेगा, आपको ऐप डाउनलोड करना, GLC IAS MPPSC ऐप, ये कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पे, वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पे आपको स्टोर पे जाना है, MP पटवारी का कोर्स सेलेक्ट करना है, वहाँ से आप जैसे क्लिक करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, पे करने का ऑप्शन आएगा और कोर्स को ले लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का।